तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता क्या क्या है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारे पास ऑलरेडी इससे पहले जो प्रोसेस हुई थी उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले जस्ट कौन सी प्रोसेस हुई है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी प्रोसेस हमें देखने को मिलेंगी उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमें दो चीजें देखने को मिली हैं। वो दो चीजें कौन कौन सी बता देता हूँ। ठीक है, इसके रिजल्ट में दो चीजें हमें देखने को मिली हैं। आपको भी पता होगा दो चीजें कौन कौन सी हैं वो। तो एक तो हमें देखने को मिला है जायगोट, है ना। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में एक तो हमें जायगोट फॉर्म होता हुआ दिखा है और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमें देखने को मिला है। क्लियर है, ये सब चीजें अभी तक हम देख चुके हैं। अब जायगोट से फ्यूचर में क्या बनेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फ्यूचर में क्या बनेगा वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो जायगोट से फ्यूचर में जो बनेगा उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। तो जायगोट से फ्यूचर में क्या बनेगा, जायगोट से फ्यूचर में बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। ठीक है, जायगोट से फ्यूचर में बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फ्यूचर में क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडो स्पर्म। अब आप लोगों को मैं इनके काम बता देता हूँ फटाफट से कि एंडोस्पर्म क्या काम करता है और एम्ब्रियो तो फ्यूचर में न्यू प्लांट फॉर्म करेगा ही। ठीक है, एम्ब्रियो तो न्यू प्लांट फॉर्म करेगा ही। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे फिर। हाँ जी सुनिए, देखो भाई एम्ब्रियो से तो फ्यूचर में क्या बनेगा, एक न्यू प्लांट फॉर्म होगा। ठीक है, न्यू प्लांट फॉर्म होगा। एंडोस्पर्म क्या काम करेगा, एंडोस्पर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसको नरिशमेंट कौन देगा, एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसे बना मैंने बता दिया आपको, सबको समझ में आ रहा होगा। अच्छा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, अब एक प्लांट के सॉरी ये गलत बन गए, हाँ आप सही है। एक प्लांट के अंदर जो मेन हिस्से होते हैं उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट से जो आप देखते हो वो कौन कौन से होते हैं, अगर किसी को पता हो तो। बताइए, मैं बताता हूं, कोई बात। दो हिस्से उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है उसकी, एक मिनट, हाँ जी, एक होता है उसका रूट, रूट मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि रूट नीचे की तरफ मिलती है, और एक होता है शूट। ठीक है ना, प्लांट के दो मेन हिस्से होते हैं, एक होता है उसकी रूट और एक होती है शूट होती है उसकी। क्लियर है, आपको पता होगा रूट्स क्या होती हैं प्लांट के मेन हिस्से में से एक है या नहीं है रूट। क्लियर है ना, और शूट क्या है। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ शूट होता क्या है। तो देखो भाई शूट क्या होता है, शूट हम बोलते हैं, शूट का मतलब होगा स्टेम विद ब्रांचेस। मतलब कि स्टेम और ब्रांचेस मिलके क्या बनाएंगे, उसका शूट वाला रीजन बनाएंगे। शूट हाँ, और रूट, रूट क्या काम करता है, रूट एक तो सपोर्ट करता है प्लांट को, ठीक है, और प्लांट को नरिशमेंट देने का भी तो काम करता है। प्लांट को फ्यूचर में नरिशमेंट भी तो उससे मिलता है, रूट से ही। बताते हैं कैसे, मैं कोई भी यहाँ पे ड्राइंग बना देता हूँ। ठीक है, ये है कोई भी प्लांट। ठीक है, आप इसकी रूट्स की तरफ फोकस कीजिए। इसकी रूट्स क्या काम करती हैं, ये है प्लांट। ठीक है,
इसकी रूट्स क्या काम करती हैं, नीचे क्या है, सॉइल है, तो सॉइल से ये रूट्स क्या काम करती हैं, ये रूट्स सॉइल से नरिशमेंट एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर नरिशमेंट वगैरह क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके इन सब चीजों को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है। मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं आपको, ठीक है, प्लांट के अंदर क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है अलग अलग रीजन तक, और मैं आपको बस रिकैप करा रहा हूँ 9वीं क्लास से, आपकी 9th क्लास से आपने पढ़ा होगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये एक टिश्यू करते हैं, और इन टिश्यू को हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, उन टिश्यू क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं, और वैस्कुलर टिश्यूज दो ही टाइप के होते हैं जो कि हैं जाइलम और जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम है ना, याद आया ना आपको, यस सर, यस सर। तो प्लांट के जो मेन रीजन है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन आपका रूट है, और ये जो स्टेम है, ठीक है, और ऊपर में जहां पर भी ये ब्रांचेस वगैरह मिलेंगी, ये सब, तो रूट स्टेम ब्रांचेस, अब ब्रांचेस के ऊपर जो ये लीव्स वगैरह मिल रही हैं, ठीक है ना, ये जो लीव्स वगैरह मिल रही हैं ये ब्रांचेस के ही हिस्से में आएगा, क्लियर है, कोई भी नहीं कहेगा सर आपने लीव्स तो बताया नहीं, आपने फ्लावर तो बताया नहीं, क्लियर है, समझ गए, ये टोटल किस में आएगा, ये टोटल टोटल शूट में आएगा, क्लियर है, बहुत क्लैरिटी से आप लोग पढ़ रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, नो सर, ओके, नो सर। तो प्लांट के जो मेन दो हिस्से हैं वो कौन से हैं, रूट और शूट, शूट। तो न्यू प्लांट जो हम यहाँ फॉर्म करेंगे, उस न्यू प्लांट के अंदर जो उसके दो मेन हिस्से हैं वो बनने ही चाहिए, शूट भी और रूट भी। तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास कुछ ऐसे हिस्से होने चाहिए जो कि शूट बनाएगा और जो कि रूट बनाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, और yes, उस सीड, yes, sir. ओके, आप मुझे इतने जोर से बोलोगे तो मैं खुद अपने फ्लो से गड़बड़ हो जाऊंगा फिलहाल, हाँ जी, तो एम्ब्रियो के पास वो दो हिस्से होने चाहिए जो कि फ्यूचर में क्या बनाएंगे, शूट बनाएंगे और रूट बनाएंगे, क्लियर है, वो मैं आपको बताऊंगा, अच्छा, और साथ की साथ उस हिस्से को ग्रो होने के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, उस सीड के पास एंडोस्पर्म होना चाहिए, एंडोस्पर्म से क्या मिलेगा उसको, नरिशमेंट, क्लियर है ना, अब मैं इसको सेव कर लेता हूं और फिर आप लोगों के पास, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं अभी थोड़े से और आगे पढ़ाऊंगा आपको। सर एम्ब्रियो फ्यूचर में न्यू प्लांट बनाएगा, हाँ कैसे बनाएगा वही हमें पढ़ना है, ठीक है, मैं सब बताऊंगा आपको, रटना नहीं है, थ्योरी लेस क्लास दे रहा हूँ एकदम, थ्योरी आपको पढ़नी है बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा, थ्योरी लेस क्लास है यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम स्मार्ट क्लास चल रही है, क्लियर है, यस सर, ओके, चलो अब आगे बात करते हैं, और मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ, ये प्लांट मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे प्लांट नहीं, ये इरेज कर देता हूँ, तो शूट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि शूट क्या काम करता है तो आपको बता देना है शूट, ठीक है, अच्छा, अब मैं एक सीड का डायग्राम बना रहा हूँ, देखो भाई सीड ना दो तरह की होती है, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 12th क्लास में इससे ज्यादा डिटेल में है, तो सीड्स दो तरह की होती हैं, एक तो ऐसी सीड होगी जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडॉन दिखेगा, अभी कॉटिलेडॉन क्या है बताएंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए अपने अंदर, और एक ऐसी सीड होती है जिसके अंदर दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिलहाल ऐसी सीड जिनके अंदर दो कॉटिलेडॉन्स बोलते हैं उनको हम बोलते हैं, वो जिस प्लांट के अंदर मिलते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं डाइकॉट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर दो कॉटिलेडॉन्स वाली सीड बनती है उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट्स, और जिनके अंदर ओनली वन कॉटिलेडॉन वाली सीड बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डाई आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यूनिकॉट्स, हाँ आपने सही दिमाग लगाया, मुझे ये तो पता चल गया कि आप लोग रटते नहीं हो, अच्छी बात है, उसको हम बोलेंगे मोनो
गॉड्स. क्लियर है? यस सर. यस सर. अब आप लोग अगर मेरे से ये पूछ रहे हो कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, यूनिकॉर्ड्स क्यों नहीं हो सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछना सेम एकदम ऐसा ही रहेगा अगर मैं आपके सामने दो वर्ड लिखूं. एक लिखूं मैं इनकम्प्लीट और एक लिखूं मैं अनकम्प्लीट. सर में आ गया? यस सर. जबकि इसमें सही कौन सा है? इनकम्प्लीट है ना, और ये गलत है. तो एकदम सेम ऐसे. क्लियर है? याद रखोगे? यस सर. चलो अब आगे चलते हैं. अब मैं एक सीड का डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने, जो भी सबसे ज्यादा फैमिलियर सीड है, जिसको कि आप लोग खा भी जाते हो, मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ. ओहो, ड्राइंग में गलती. ये किसकी सीड है अगर आपने खाई हो तो? सपोज करो, हाँ ये ग्राम है, ये चना है. ठीक है, क्लियर है? चना आपने खाया होगा. अब देखें, चने के अंदर दो कोटलेडॉन्स हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर दो कोटलेडॉन हैं. एक कोटलेडॉन इसका ये हो गया और दूसरा कोटलेडॉन इसका ये रहा. दिख रहा है आप सभी को? क्लियर है? Yes, तो ग्राम के अंदर दो कोटलेडॉन है, इसीलिए ग्राम किस में आएगा, मोनोकॉट्स में या डाइकॉट? गुड. और अगर आपने बाजरे की सीड देखी, बाजरे की सीड, बाजरा देखा? बाजरा. Yes, sir. बाजरे की सीड एक ही होती, छोटी सी, तो इसके अंदर दो कोटलेडॉन नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, तो ये किसमें आएगा? मोनोकॉट. मोनोकॉट. अच्छा, अगर आपने मेज की सीड देखी हो, मेज, मेज खाया, मेज. Yes, sir. कॉर्न, कॉर्न के अंदर कितने कोटलेडॉन होते हैं, एक या दो? अगर आपने कभी दो कोटलेडॉन सर, दो कैसे हो जाएंगे, एक ही होता है उसके अंदर. होता है सर. हाँ, एक ही होता है. तो ये किस में आएगा? मोनोकॉट. अब कोटलेडॉन होता क्या है, पहले ये तो ज्ञान ले लो. सर आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, गलत बात है ना, ये ऐसे पूछ रहे क्वेश्चन. अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ है दो कोटलेडॉन. देखो भाई, कोटलेडॉन क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं. तो ये है कोटिलेडॉन. ठीक है, कोटिलेडॉन क्या काम करता है? देखो बच्चों, ये जो एंडोस्पर्म था ना, ठीक है, ये एंडोस्पर्म नरिशमेंट देने का काम कर रहा था डेवलपिंग एम्ब्रियो को. कोटिलेडॉन भी क्या काम करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. क्या करता है? नरिशमेंट. नरिशमेंट. हाँ, नरिशमेंट देता है. ठीक है ना, ये क्या काम करेगा? नरिशमेंट देगा. ठीक है, तो कोटलेडॉन नरिशमेंट देगा. अब कैसे कैसे नरिशमेंट देगा वो हमें देखना है. उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं. आपने स्प्राउट्स खाए? स्प्राउट्स. यस सर. यस सर. है ना, स्प्राउट्स आप लोगों ने खाए होंगे. इसके ऊपर से यहां से कुछ निकलता हुआ आता है ना, स्प्राउट्स खाए होंगे? Yes, sir. कैसे बनते हैं चने से स्प्राउट? कैसे बनते हैं? रात को एक कपड़े में बांध के रखना होता है, नहीं रखना होता है? Yes, sir. है ना, फिर तब उसमें से बाहर ये निकल के आता है उसका एंकर. है ना, सीड से उसका एंकर निकल के आता है ना. Yes, sir. और फिर उसको हम जब पकाते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला कुछ भी डालोगे आप, और फिर आप उसको टेस्टी तरीके से खा सकते हो बना करके. ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा खाने पीने की बात नहीं करते हैं, वैसे ही लॉकडाउन में मार्केट बंद चल रही है. ठीक है, फिलहाल चलो मैं ये सब मिटा देता हूँ. ठीक है, ये आपने डायग्राम ये वाला देख लिया होगा. अब मैं आगे बात करता हूँ. बस दिमाग में एक बात रखना, हमें रूट और शूट फॉर्म करना है. ठीक है, क्लियर है? दिमाग में ये बात जरूर रखनी है. Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इस चीज को डिटेल में दिखाऊं, ये जो चीज है
इसको अगर मैं आपको खोल, ये नहीं, गलत चीज मैंने फोकस कर दिया, हाँ जी, अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं, ठीक है, इस हिस्से को, इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो देखिए, ठीक है, इसको अब मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं, तो हमें इस सीड के अंदर क्या क्या दिखेगा, देखना भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कॉटिलेडॉन्स मैंने दोनों के दोनों खोल दिए हैं इस तरह से, ठीक है, ये मैं सीड का डायग्राम बना रहा हूं, अगर कोई भी आपसे बनवाइए डायग्राम तो आपको ऐसे ही बना करके आना है, ठीक है ना, ये मैंने सीड बना दिया है और इसके मैंने दोनों के दोनों कॉटिलेडॉन्स खोल दिए हैं, बीच में यहाँ पे जहां से स्प्राउट निकल रहा है, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से बना दिया है और एक इसका नीचे वाला हिस्सा भी होता है, ठीक है। अब इनके में, इनकी मैं नेमिंग्स कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इन दोनों के अलग अलग नेम है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दोनों चीजें हैं, इसका कुछ अलग नेम है, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, इसका कुछ अलग नेम है। अब इनके नेम है क्या वो सुन लीजिए, देखो भाई, इस रीजन को हम बोलते हैं प्लीम्यूल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लीम्यूल, इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे हम, रेडिकल बोलेंगे, रेडिकल, ठीक है ना, याद रखना आपको, अब रेडिकल, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे कॉटिलेडॉन्स, क्योंकि दो है ना ये, तो इसलिए मैं कॉटिलेडॉन्स लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कॉटिलेडॉन्स, ये टी है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर ये क्या बना दिया है, तो इसको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बीच में यहाँ पे टी बनाया, ठीक है, ये है कॉटिलेडॉन्स, ये वाला जो हिस्सा है जहां से एम्ब्रियो, ये जो पूरा हिस्सा है इस ब्लू वाले के, ये देखो आप ब्लू वाला एक हिस्सा है, इसके ऐसा रीजन जहां से ये कॉटिलेडॉन्स एराइज हो रहे हैं, मतलब जहां पे ये कॉटिलेडॉन है उस हिस्से को हम बोलेंगे कॉटिलेडोनरी नोड, क्या बोलेंगे, हाँ उसको हम बोलेंगे कॉटिलेडोनरी नोड, नोड क्लियर है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, ये है कॉटिलेडोनरी नोड है, ठीक है, और ये है प्लीम्यूल और ये है रेडिकल और ये है कॉटिलेडॉन्स, ठीक है, अच्छा सर, इसी के अंदर से स्प्राउट्स बनते हैं। अब सुने, पहले बात को ध्यान सुने, हर एक चीज बताऊंगा मैं क्या क्या बन रहा है, किससे बन रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो रेडिकल वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये जो प्लीम्यूल है और ये जो कॉटिलेडॉन नोड है, ये तीनों मिलकर के कलेक्टिवली बनाते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाते हैं, मतलब एम्ब्रियो बनाते हैं। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के तीन हिस्से कौन कौन से होंगे, मैं शॉर्ट में लिखूं तो एक तो हो जाएगा प्लीम्यूल, हो जाएगा प्लीम्यूल, रेडिकल, रेडिकल एंड कॉटिलेडोनरी नोड, है ना, कॉटिलेडोनरी नोड। देखो मैंने आपको पढ़ाया था स्टेम का कुछ हिस्सा होता था नोड, नोड एक आउटग्रोथ होती है, मैंने आपको स्कूल में बताया था नोड इंटर नोड वाला कॉन्सेप्ट, जहां से कोई भी न्यू स्ट्रक्चर अराइज होती है ना, yes, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, प्लीम्यूल क्या फॉर्म करेगा फ्यूचर में, प्लीम्यूल फ्यूचर में शूट बनाएगा, क्या बनाएगा, शूट, शूट, रेडिकल फ्यूचर में रूट बनाएगा, अगर आप इस बीज को बो दें, है ना, मतलब सोइंग कर दें इस सीड की, तो फ्यूचर में ये जो रेडिकल वाला हिस्सा है, इस सीड में से जैसे ये एंकर निकला, जिसको अंकुर बोलते हैं हिंदी में, ये एंकर बोल दिया, ठीक है ना, जिसको हम सीड जर्मिनेशन बोलते हैं,
अब देखो सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड के अंदर से एंकर डेवलप होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सीड जर्मिनेशन बोलते हैं, याद रखना ये बात, ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, सीड जर्मिनेशन, हाँ किसको बोलेंगे सीड जर्मिनेशन, हम किसको बोलेंगे, सीड के अंदर से एंकर डेवलप होने की प्रोसेस, है ना। हाँ मैंने सब कुछ बता दिया, देखो बच्चों ये सीड के अंदर क्या क्या फॉर्म हो रहा है, कॉटिलेडॉन्स है यहाँ पे, और ये रेडिकल है, रेडिकल क्या बनाएगा फ्यूचर में, रूट बनाएगा, है ना, और ये क्या बनाएगा, सर ये किसी भी डाइकोट्स में है, हाँ डाइकोट की सीड में ऐसे ही होता है, उसके अंदर दो कॉटिलेडॉन है, एक कॉटिलेडॉन्स का ये हो गया, दूसरा कॉटिलेडॉन्स का ये हो गया, क्लियर है। ये कॉटिलेडॉन्स क्या काम करते हैं, हम ये कॉटिलेडॉन्स क्या काम करते हैं, मैंने बताया था अभी, बताना क्या काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इन कॉटिलेडॉन्स के अंदर, हाँ इन कॉटिलेडॉन के अंदर स्टोर फूड होता है, क्या होता है स्टोर फूड, क्या होता है इसके अंदर स्टोर फूड होता है, मैंने SF लिख दिया शॉर्ट में, ये क्या करते हैं इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं इस तरह से, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना, यहाँ से नरिशमेंट देंगे, नरिशमेंट सिर्फ कब तक देंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब ये नरिशमेंट देता कैसे है, कब तक देगा ये नरिशमेंट, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, तो देखिए नरिशमेंट ये तब तक देगा जब तक कि इसकी जो रूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, जब तक इसकी जो रूट्स हैं, जो ये रेडिकल रूट फॉर्म कर रहा है, जब तक कि ये इंडिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये इसको क्या देंगे, नरिशमेंट देते रहेंगे। ऊपर वाला हिस्सा जो स्टेम फॉर्म करेगा वो कौन सा है, प्लीमियोल, 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 है ना, और नीचे वाला हिस्सा सीड का जो रूट फॉर्म करेगा रेडिकल है, क्लियर है ना, ये कब तक ऐसे करेगा, जब तक कि रूट्स क्या ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए। अब इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि अगर ये ग्राउंड के अंदर है, अब ये रूट्स मान के चलो ये रूट्स क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, रूट्स क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई, तो रूट्स के इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि अब इस एम्ब्रियो को, ये जो एम्ब्रियो है यहां से यहां तक, इसको अब कॉटिलेडॉन से नरिशमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, या फिर ये समझ लीजिए ये कॉटिलेडॉन इनको तब तक नरिशमेंट देता रहेगा जब तक कि रूट्स क्या ना हो जाए, इंडिपेंडेंट ना हो जाए, रूट्स इंडिपेंडेंट हो गई तो अब ये नरिशमेंट कहां से ले सकते हैं, अब ये अपना नरिशमेंट सॉइल से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, सॉइल से, अब तो ये रूट्स फिर सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेंगे ना नरिशमेंट, क्लियर है ना, यस सर, समझ में आया, तो नरिशमेंट इज यस सर इंपॉर्टेंट, ठीक है, नरिशमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबको समझ में आ गया, इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है, सॉरी ये जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैं आपको स्कूल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अब मैं आप लोगों की जेनेटिक्स स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे 12th क्लास में मैंने जेनेटिक्स स्टार्ट कर रखी है, उनका भी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन छुड़वा रखा है अभी, वो मैं स्कूल में पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिलहाल ये क्लास यहीं ओवर हो जाती है, समझ में आ गया, रूट्स इंडिपेंडेंट होने तक ही कॉटिलेडॉन क्या देगा, नरिशमेंट देगा, देगा, यस है ना, अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा क्लास छोड़ के, यस सर, ओके सर, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, जो पढ़ाया समझ में आ गया एकदम, ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, यस सर, यस सर, रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए।